शांतिनगर पुलिस शुक्रवार की रात गश्त पर थी, जिस दौरान पुलिस ने एक तड़ीपार आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया और उनसे दो चाकू और एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मेहंदीबाग पुलिया के पास पुलिस गश्त कर रही थी, जिस दौरान शांतिनगर से तड़ीपार किए हुए आरोपी करण जाधव पुलिस को संदेहास्पद अवस्था में अपने साथी प्रतीक तेजवान तिवारी के साथ दिखाई दिया। उनका पीछा कर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जिस दौरान पूछताछ करने पर उनके पास से दो चाकू और एक लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत चोरी हुई एक्टिवा बरामद की गयी। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की है। कल शाम में पेट्रोलिंग करने के दौरान आरोपी जिसका नाम है करण प्रकाश जाधव, उसको लोकेशन जब मिली थी तो वहाँ पर जब चेक किया गया तो वो वहाँ पर मिला, मेहंदीबाग पुलिया के नीचे मिला। और वहाँ पर उसके साथ में एक दूसरा आरोपी प्रतीक तिवारी, वो भी मौजूद था, और उनके साथ में एक आर्म्स भी था, जैसे कि आर्म्स मतलब कि एक बड़ा चाकू था, उसको भी जब्त किया गया और उसको जब्त करके वे पुलिस चैन में अभी उस पर कार्रवाई करना चालू है। ये किसी घटना को इल्जाम देने जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, इन्होंने ये बात तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इंट्रोगेशन उनका कल रात से चालू है, लेकिन फिर भी हम लोग वो चाकू रखने के ऊपर से उन पर गुनाह दाखिल कर रहे हैं। हाँ, तो करण जाधव के ऊपर पे गुनाह दाखिल है, तभी वो तड़ीपार था और अभी उस पर हम लोग और भी प्रतिबंधक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। दूसरे आरोपी पे भी कुछ बॉडी ऑफेंसेस हैं। बता दें कि गिरफ्तार किए हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। पुलिस द्वारा इस मामले की आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।